हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट एक्सपेरिमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि सिंपल पास्ट टेंस वॉइस को हम लोग बिना रूल का कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या है, अगर रूल सोचेंगे तो बहुत वक्त लगेगा और हम लोग को क्या तुरंत बनाना है ये। तो उसके लिए मैं आज पेश किया हूँ बिना रूल का। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, सी हेल्प्ड मी। तो सबसे पहले अगर तुमको सिंपल पास्ट टेंस वॉइस अगर बनाना है, तो सबसे पहले यहां पर याद रखना है कि पकड़ना है V2 पकड़ना है। तो अब तुम्हारे मन में एक कंफ्यूजन है कि सर यहां पर हेल्प लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हेल्प का V2 भी होता है हेल्प्ड और V3 भी होता है हेल्प। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी अगर कोई एक्जुलरी वर्ब नहीं है, मैंने क्या बोला, जब भी अगर कोई एक्जुलरी वर्ब नहीं है, तो जब भी कोई एक्जुलरी वर्ब नहीं रहेगा तो याद रखना मेरे भाई कि ये आपका क्या होगा, V2। अगर वही कोई एक्जुलरी वर्ब इसके साथ रहेगा तो वो आपका बन जाएगा V3। तो सबसे पहले अगर मेरे नियम के अनुसार अगर वॉइस बनाना है तो सबसे पहले याद रखना है कि वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे वर्ब को। किसको पहचानेंगे? वर्ब को। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया को हम पकड़ने का सबसे बेहतर नियम है कि उसके लास्ट में लगेगा आपका ना, ना नहीं बल्कि ना। अब देखिए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन है सी हेल्प्ड मी। तो सबसे पहले सी हेल्प्ड मी में हेल्प का मतलब होता है मदद करना, यानी हेल्प्ड यहां पर हो गया वर्ब। अब सुनना, स्टेप बाय स्टेप समझना क्या है, वर्ब के बाद जो भी लिखा रहेगा उसको हम कर देंगे आगे। तो वर्ब के बाद यहां पर लिखा हुआ मी, लेकिन आगे कर रहे हैं तो हमको बनाना है सब्जेक्ट में, तो मी का सब्जेक्ट यहां पर क्या हो गया, आई। अब यहां पर ध्यान देना, जब भी अगर V2 रहेगा, क्या बोले, जब भी अगर V2 रहेगा तो V2 रहेगा तो या तो लगेगा वाज या तो लगेगा वर। सब लोग बेयर पढ़ते हैं बाबू, बेयर नहीं वर होता है, ठीक है। तो आई के साथ, वी नो डेट कि आई के साथ आपका लगेगा वाज। और जब भी अगर हम लोग वॉइस बनाएंगे तो पीछे से चेक करेंगे तो मी का काम हो गया, अगला काम है हेल्प का, तो वी नो डेट हेल्प का V3 भी क्या होता है, हेल्प्ड ही होता है। तो चलिए यहां पर हमने हेल्प ले दिया। अब यहां पर सबसे पहले देखना, यहां पर देखना कि देखो यहां पर हेल्प V3 है। रीजन मैंने अभी तुरंत बताया, जब भी अगर कोई एक्जुलरी वर्ब आ जाएगा तो वह आपका बन जाएगा V3, एक्जुलरी वर्ब नहीं है आपका रहेगा V2, ठीक है। तो आई वाज हेल्प, V3 के बाद आपका लगेगा बाई और बच गया आपका सी, सी का क्या हो गया हर। तो बहुत ही सिंपल है वॉइस बनाना, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल। केवल ये याद रखना है कि जब भी अगर V2 के फॉर्म में रहेगा तो आपका लगेगा या तो वाज या तो लगेगा वर। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया। जो दूसरा क्वेश्चन है आई एट एन ऑरेंज, इसका आप लोग पैसिव फॉर्म बना करके आप लोग कॉमेंट में जवाब देंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सभी लोग को बाय, टेक केयर।